सीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम जैसे टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, पटवारी, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलासपुर में कितने ज़िले हैं, तो संख्या में 12 रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर में जो महत्वपूर्ण बातें उनको हम चर्चा में करेंगे। तो बिलासपुर का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो बिलासपुर का गठन हुआ था 1 जुलाई 1954। नेक्स्ट, इसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या घनत्व बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रहता है 327 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 327 लोग रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसके साथ सेक्स रेशो, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, पूछी भी जाती है सेक्स रेशो, या इसको कहा जाता है लिंग अनुपात। तो बिलासपुर का जो लिंग अनुपात रहेगा 981/1000। नेक्स्ट है इसके साथ यहाँ पर साक्षरता दर, जिसको लिटरेसी रेट भी कहा जाता है, तो इसकी साक्षरता दर है 85.87%। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साथ यहाँ पर कौन कौन सी भाषा जो है बोली जाती है, लैंग्वेज या भाषा इसे कहा जाता है भाषा, तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है वो कौन सी है? कहलूरी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कहलूरी की लिपि कौन सी है, तो कहलूरी की लिपि है टांकरी। ये था हमारे पास बिलासपुर के बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि बिलासपुर को सतधार के नाम से भी जाना जाता है। बिलासपुर को क्या कहा जाता है? सतधार के नाम से प्रसिद्ध बिलासपुर को कहा जाता है सतधार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितनी धारें हैं? फेमस 7 धारें हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सतधार जो झरना है वो कहाँ पर फ्लो करता है, तो हमारे पास आंसर रहेगा चंबा। सतधार झरना कहाँ पे है? चंबा में है। लेकिन सतधार जो है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में है। 7 धारे कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो हम देखें उनके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि 7 धारे कौन कौन सी हैं और उन धारों पर कौन से मंदिर हैं और कौन से वहां पर किले बनाए गए हैं। ओके, तो इसकी थोड़ी सी एक ट्रिक भी रहती है 7 धारों की। रतन है बंदा बहादुर, तो नैना से झांक। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे कि सतधार की ये ट्रिक है तो ये कैसे फॉलो होती है साथ साथ में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास र से क्या बनता है, रतनपुर धार। नेक्स्ट है हमारे पास बंदला धार। फिर आता है हमारे पास दूसरा ब, तो इसे बनता है बहादुरपुर धार, ठीक है। और ये एक पॉइंट आपने यहाँ पर नोट करना है, जो बहादुरपुर धार है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के सबसे ऊंची धार है। तो बिलासपुर की सबसे ऊंची, इसको चोटी भी कहा गया है। अगर पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारे पास रहती है बहादुरपुर। इसकी हाइट कितनी रहती है? तो इसकी हाइट है 980 मीटर।
नेक्स्ट है हमारे पास बहादुरपुर के बाद रहेगा टू से आया हमारे पास तियोनधार, ने से आया हमारे पास नैनाधार, नैनाधार, और हमारे पास झ से आया झंझियारधार, झ से क्या बन गया झंझियारधार, और लास्ट हमारे पास रहता है क, तो क से आते हैं हमारे पास कोटधार, क क से आती है कोटधार। ओके, तो ये थी हमारे पास ट्रिक जो हमारे पास बिलासपुर की धारों के बारे में थी कि बिलासपुर को सात धारों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि रतनपुर धार पर कौन सा किला बना है, कौन सी ये यहाँ पर मंदिर स्थित है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि नैनाधार के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सबसे बिलासपुर का जो फेमस मंदिर है नैना देवी मंदिर, वो कौन से धार पर बना हुआ है, तो नैनाधार पर है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नैनाधार की, तो यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है और कौन सा किला है। तो नैनाधार पर सबसे फर्स्ट रहेगा नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर। नेक्स्ट नैना देवी मंदिर के साथ है, इसके साथ लगता है कोट कहलूर किला। कौन सा फोर्ट है यहाँ पर, कोट कहलूर किला। और लास्ट रहता है फतेहपुर किला। कौन सा है लास्ट, फतेहपुर किला, फतेहपुर किला। ये कौन सी धार पर स्थित है, नैना धार पर। अगर पूछा जाए नैना देवी मंदिर किस धार पर है, नैना धार पर। कोट कहलूर किला नैनाधार, फतेहपुर किला नैनाधार पर है। नेक्स्ट हम दूसरी धार के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा है हमारे पास कोटधार, बिलासपुर की फेमस है कौन सी, कोटधार। इसमें कौन कौन से किले स्थित हैं, तो लिखेंगे कोट मलोट किला, कोट मलोट किला। नेक्स्ट कोट मलोट किले के बाद है हमारे पास बछरेटू किला, बछरेटू किला। और लास्ट रहता है हमारे पास बछरेटू मंदिर, ये भी किस धार पर है, बछरेटू मंदिर, ये भी हमारे कोट धार पर स्थित है। और बछरेटू जो मंदिर है उसमें क्या कौन सी भगवान का है, तो शिवालय है यहाँ पर, शिव भगवान का यह मंदिर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे इसके साथ, नेक्स्ट हम धार की बात करते हैं झंझियार धार। झंझियार धार सबसे फर्स्ट रहता है यहाँ पर, जो यहाँ पर छातीपुर किला, छातीपुर किला, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये संसार चंद के द्वारा बनाया गया था, छातीपुर किला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये बनाया था संसार चंद ने, ये भी साथ साथ में मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा मंदिर है, तो लिखना है ये सोहनी देवी मंदिर है, इसमें सोहनी देवी मंदिर। फिर सोहनी देवी मंदिर के साथ है हमारे पास बडोली देवी, बडोली देवी मंदिर। फिर रहना है हमारे पास नेरसा देवी, नेरसा देवी, इसे नीरसा भी कहा जाता है, नेरसा देवी मंदिर। और साथ में रहता है गुग्गा गेहड़वी, गुग्गा गेहड़वी मंदिर, ये भी किस इस पे धार पर है, तो ये सारे हैं छंझियार धार पर स्थित हैं। और फेम्स रहता है यहाँ पर रुक्मणी कुंड जो है, वो भी किस धार पर है, झंझियार धार पर है, रुक्मणी कुंड, ये छंझियार धार पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद तीन धार, तो पीर पीर भयाणु जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये भी तीन धार पर है, पीर भयाणु मंदिर बिलासपुर का फेमस है, पीर भयाणु मंदिर। इसके साथ लिखेंगे पीर भयाणु के साथ है हमारे पास नौरंगगढ़ किला, नौरंगगढ़ किला, ये भी किस पे है, तीन धार पर है। नेक्स्ट है हडिम्बा देवी मंदिर, हडिम्बा देवी
मंदिर, ये भ्याणु के साथ में है हडिम्बा देवी मंदिर, छोटा सा, ये छोटा सा टेंपल है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगर वैसे हडिम्बा की बात करें तो कहाँ पर है, कुल्लू में है हमारे पास, ठीक है, मनाली में। इसके बाद तीउंधार के बाद आता है हमारे पास बंदला धार, बंदला धार। तो बंदला धार के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि ये जो यहाँ पर क्या है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बनाया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे इसके साथ ये किस लिए फेमस है, पैराग्लाइडिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्लाइड करने वाला कौन था, यहाँ से कब पैराग्लाइडिंग शुरू हुई है, तो आपने लिखना है फर्स्ट जो पैराग्लाइडर था आरपी गौतम, आरपी गौतम था। और इसने कब पैराग्लाइडिंग की थी, तो 1994 में इसने यहाँ से पैराग्लाइडिंग की थी बिलासपुर के बंदलाधार से। इसके बाद रहती है हमारे पास सेकंड लास्ट है बहादुरपुर धार, बहादुरपुर धार। तो सबसे फेमस रहता है बहादुरपुर किला कहाँ पर है, तो इसी धार पर है बहादुरपुर किला, ये कहाँ किस धार पर है, बहादुरपुर धार पर है। फिर इसके साथ रहता है हमारे पास विजय चंद की, जो बहादुरपुर था विजय चंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर विजय चंद ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो ये रहता है हमारे पास बहादुरपुर को, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रहती है हमारे पास रतनपुर धार। मैंने चोटी के बारे में पहले बता दिया कि बहादुरपुर जो है वो बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, लास्ट रहता है रतनपुर धार। तो रतनपुर धार के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर कौन सा किला है, रतनपुर किला, रतनपुर किला यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है इसके साथ रहता है हमारे पास जो ब्रिटिश, हमारे पास जो ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारी डेविड ऑक्टरलोनी ने, लिख लेंगे लास्ट पॉइंट रहेगा ब्रिटिश अधिकारी, फिर बताती हूँ, डेविड ऑक्टरलोनी ने इसी धार पर अमर सिंह थापा को हराया था, ठीक है। अब लिखेंगे, अब मैं बताऊंगी कि क्या बात हुई, रतनपुर धार जो है वहां पर ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, अंग्रेज जो था डेविड ऑक्टरलोनी ने इसी धार पर अमर सिंह थापा को हराया था। अब ये अमर सिंह थापा कौन था, तो ये गोरखा कमांडर था, गोरखा कमांडर था, ठीक है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को रतनपुर धार पर हराया था। ओके, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, थैंक यू।